कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स एकदम से धड़ाम देसी इतना नीचे क्यों गिरा। भाई क्यों गिरा से मतलब इन्वेस्टर्स परेशान हो गए। इन्वेस्टर्स की सीधी सी बात है, हर कोई बंदा परेशान होगा, क्योंकि देखो टाटा मोटर्स एक नामी गिरामी शेयर है और आप में से काफ़ी सारे लोग इसके शेयर बाय करके बैठे भी होंगे। अब इसमें आपको आगे क्या करना चाहिए पिन पॉइंट आपको मैं इस वीडियो के अंदर ही लेवल्स बताने वाला हूँ, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों के बेसिस पर। तो सबसे पहले आप लोग इतना जानोगे यार, भयंकर गिरावट टाटा मोटर्स के अंदर देखने के मिली, चाहे वो टाटा मोटर्स का DVR शेयर हो या नॉर्मल टाटा मोटर्स का शेयर हो। तो अभी जो एक हेडलाइन निकल कर आ रही है वो ये आ रही है, अगर आप लोगों ने नोटिस कराओ, बीच मार्केट के दौरान एक न्यूज़ आई थी कि इन्होंने मतलब कंपनी ने बोला कि इनकी जो सेल्स है ना उसमें थोड़ा सा देखो कमी आ सकती है। मतलब एक नेगेटिव आया कि इनका EBIT मार्जिन कम होने की आशंका है। सिर्फ इतना ये मार्केट में न्यूज़ तो आई कि 50% का लोअर होलसेल वॉल्यूम आएगा, मतलब शॉर्टेज। भाई शेयर ने क्या एकदम से गिरावट आई, भयंकर वाली गिरावट आई। इतना मतलब बोलते हैं ना शॉर्ट कवर हुए, मतलब इतनी शॉर्ट पोजीशन बढ़ी टाटा मोटर्स के अंदर। अभी भी फ्यूचर के अंदर आप देखोगे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो देखो जो इन्वेस्टर्स हैं मैं उनको एक राय देना चाहता हूँ। देखो टाटा मोटर्स है, अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हो। लॉन्ग टर्म से मतलब जिनको कोई दिक्कत नहीं है एक दो महीने में, आपको तो देखो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आप लोग घबराओ मत गिरने से स्टॉक को, आप बस अपने स्टॉक को SIP के लिए एवरेज करते रहो। क्योंकि आपने सुना होगा जितना ज़्यादा खरीदारी चाहिए ना उसके लिए आपको स्टॉक गिरता हुआ ही मिलना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा होता है। तो नेगेटिव मत समझो, दिल मत अपना वो करो भाई, प्रेशर में हो कि सर आज स्टॉक गिर गया, वो कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखो सीधी सी बात है, उसके बाद ऑपरेटर ने यहाँ पर अपनी ह्यूज सेल कर दिया मामला। आप देख सकते हो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल, शायद मार्केट का आज का सबसे ट्रेंडी स्टॉक भी था टाटा मोटर्स। अब आगे क्या करें, तो देखो मैं आपको टाटा मोटर्स के लेवल्स बता देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग टाटा मोटर्स लगभग आपको ये 280 से 290 तक आता हुआ दिख सकता है अभी कुछ दिन के अंदर ही। तो इतना तो आप मान के चलो कि 300 तो आराम से टच कर ही देगा, ये 300 से 290 इसकी एक प्यारी रेंज बनने वाली है। बट अगर इसके अंदर आ गई भयंकर और गिरावट तो फिर आपको 250 तक तो मुझे नहीं लग रहा आएगा, रिवर्स होने के पूरे पूरे चांसेस है। 270 एक इसका क्रूशियल लेवल होने वाला है। बट अगर जितना नीचे यहाँ तक मिलता है तो बाय ऑन डिप बनेगा इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट शॉर्ट टर्म वाले जिन लोगों ने इसका सी कॉल वॉल गैम्बलिंग करते हैं, मैं उन लोगों को एक सजेशन दूंगा, प्लीज़ ब्लाइंड गैम्बलिंग मत करो। टाटा मोटर्स आपके पैसे को जीरो कर सकता है, समझ रहे हो? क्योंकि अगर एक हल्की सी शॉर्ट कवरिंग भी आएगी 1-2% की, तब भी आपकी प्रीमियम इतनी तेज़ नहीं बढ़ेगी जितना तेज़ नीचे गिरते के साथ ही आपका पैसा जीरो हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म वाले टाटा मोटर्स से दूर रहो, कोशिश करो ऊपर पे बेचने की, क्योंकि अब उसके बाद एक कब उठेगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीने सो जाएगा उस रेंज में, तो वो आपको डिसाइड करना है। बट लॉन्ग टर्म वालों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी टाटा मोटर्स क्या काम करती है आप लोग जानते ही हो। अभी आप जाकर अगर इसका ऑटो सेक्टर देखोगे तो वहाँ पर भी अभी काफ़ी एक सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और निफ्टी भी देखो अभी अपने 16,000 के क्रूशियल लेवल को भी ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से मार्केट में भी थोड़ी सेलिंग हुई और निफ्टी ऑटो ज़्यादा गिरा। और अब तक अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को कर रहे हो भाई मिस। क्यों कर रहे हो अपॉर्चुनिटी को मिस? मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, टाटा मोटर्स जैसे शेयर कब भागेंगे आपको नहीं पता होगा। मैंने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जो मैं आपको 1 से 3 दिन के अंदर ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, दबा के पैसा कमाओगे। यहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट शॉर्ट कॉल्स देता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के अंदर, आप लोग 1-2 महीने में देखते होगे 5-10%। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर देख लोगे इतना टारगेट है, पर बिना रिस्क के होल्डिंग कॉल्स के अंदर। अब बोलोगे इसे ज्वाइन कैसे करें, टेलीग्राम पे जाना, सुमित स्टॉक मैजिक लिखना, देन सर्च करके ज्वाइन कर लेना। 21,000 से भी ज़्यादा मेंबर इसमें ज्वाइन है, तो आप देख लेना, यही हमारा है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अच्छा आप इसके फंडामेंटल पर आओगे ना तो आप कंपनी के सेल्स देखोगे तो सेल्स थोड़ी सी डाउन हुई है, और कंपनी की अभी न्यूज़ आई है कि भी सेल्स और ज़्यादा भी डाउन होती हुई दिख सकती है। बट अगर आप नेट प्रॉफिट में आओगे तो पहले देखो ये जो शेयर भागा था ना हमारा टाटा मोटर्स बीच में भी 2020-21 में दबा के भागा था, उसके पीछे का लॉजिक समझो यही था। पहले कंपनी बहुत तगड़ा घाटा कर रही थी, उसके बाद कंपनी का घाटा कम होता गया, तो इस वजह से शेयर में स्पाइक भी बहुत अच्छी खासी आई थी। बाकी आप लोग देख सकते हो जो प्रमोटर की होल्डिंग है लगभग 46% है, और देखो लास्ट क्वार्टर में पब्लिक से माल छीना गया है, चाहे वो 1.5-2% छीना गया बट छीना गया है। और देखो प्रमोटर ने यहाँ पर सीधे सीधे देखोगे 4% का स्टेक बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं अगर देखो प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है तो कुछ ना कुछ इस कंपनी में प्लस पॉइंट है, क्योंकि ओवरऑल देखोगे पब्लिक से माल छीना गया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर स्टॉक है, कोई भी इसमें शक की बात है नहीं। कंपनी अपने आपको डेट फ्री बनाएगी, और टाटा मोटर्स आप लोग जानते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला ट्रेंड का ये मेन शेयर भी हो सकता है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको ये होल्ड करना चाहिए सेल। लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करो बेझिझक, शॉर्ट टर्म वाले एग्जिट ले लो, एक ही रिकमेंड करूँगा, या एवरेज कर लो, आपके पास 2 या 3 ही ऑप्शन बचेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।